गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज आपका टर्न है इंग्लिश फर्स्ट का। आपका लेसन 3 हो चुका है कंप्लीट। अब आप स्टार्ट करेंगे लेसन 4। लेसन 4 है आपका हैरी एंड हिज लूसी। ठीक है, इस लेसन में आप देखेंगे जो हैरी है वो एक बॉय है एंड जो लूसी है वो क्या है, एक कैट है। ओके, तो ये स्टोरी है एक बॉय हैरी की एंड कैट लूसी की। ओके, तो अपनी बुक्स ओपन करेंगे लेसन नंबर 4, हैरी लॉस्ट हिज लूसी। ओके, ओपन योर बुक एंड हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। और आप अपने हाथ में रखेंगे पेंसिल और जो ये हार्ड वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आप अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में। ओके, सो लेट स्टार्ट। हैरीज पैट कैट लूसी इज लॉस्ट। ही लुक्स फॉर लूसी एवरीवेयर। इनसाइड द कपबोर्ड सी इज नॉट देयर। अंडर द टेबल सी इज नॉट देयर। ओ डियर वेयर कैन यू लूसी बी, सेज हैरी। जो हैरी है उसकी कैट जो है लूसी वो क्या हो गई है, खो गई है। लॉस्ट मीन्स होता है खोना, वो खो गई है। ही लुक फॉर एवरीवेयर इनसाइड द कपबोर्ड। वो उसको उसने हर तरफ देखा, कपबोर्ड मीन्स अलमारी के नीचे, टेबल के नीचे, ठीक है, और वो उसे कहीं भी नहीं मिली। तो बोलता है लूसी तुम कहाँ हो। हैरी लुक्स अंडर द बेड नो सीज नॉट हाइडिंग देयर। हैरीज गोज रनिंग टू ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ग्रैंडपा लूसी इज लॉस्ट। आई कैंट फाइंड हर एनीवेयर। ग्रैंडपा सेज डिड यू लुक अंडर द बेड। जो हैरी है वो बेड के नीचे भी देखता है, वहाँ पे भी उसे अपनी कैट लूसी नहीं मिलती। तो वो जाता है अपने ग्रैंडपा के पास और उनसे बोलता है कि मैंने लूसी को सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो ग्रैंडपा बोलते हैं तुमने बेड के नीचे देखा? तो वो बोलते हैं हाँ मैंने देखा लेकिन वो नहीं थी। अब आप नेक्स्ट पेज में आएंगे। येस आई डिड, वो बोलता है हाँ मैंने देखा। सेज हैरी सी इज नॉट हेयर, वो वहाँ नहीं है। वेयर कुड शी हैज गोन, सेज ग्रैंडपा। डोंट वरी वी विल फाइंड हर। हैरी एंड ग्रैंडपा गो आउट इन टू द गार्डन। दे सी लूसी ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। उसके बाद क्या होता है, उसके ग्रैंडपा बोलते हैं चिंता मत करो हम उसे ढूंढेंगे। हैरी और उसके ग्रैंडपा कहाँ जाते हैं, गार्डन में जाते हैं। और वो क्या देखते हैं कि लूसी एक पेड़ पे उसकी ब्रांच पे बैठी है, पेड़ की ब्रांच पे बैठी हुई है। ब्रांच मीन्स क्या होता है, टहनी पे बैठी हुई है, ठीक है। ग्रैंडपा गोज बैक होम एंड ब्रिंग अ लेडर। हैरी सेज टू लूसी डोंट वरी लूसी ग्रैंडपा विल ब्रिंग यू डाउन। ग्रैंडपा क्लेम्स द ट्री ही ब्रिंग लूसी डाउन। जो हैरी है वो लूसी से बोलता है चिंता मत करो लूसी, ग्रैंडपा अभी ऊपर चढ़ेंगे और आपको नीचे उतार देंगे। उनके ग्रैंडपा क्या करते हैं, जाते हैं और एक लेडर लेके आते हैं, लेडर में सीढ़ी लेके आते हैं, ठीक है, नीचे आप आओ। ग्रैंडपा सेज हैरी हेयर्स योर नॉटी कैट। हैरी से थैंक यू ग्रैंडपा आई लव यू। ग्रैंडपा से यू आर वेलकम हैरी लेट्स टेक इन हर इनसाइड सेज ग्रैंडपा। लूसी इज हैप्पी टू बी विद हैरी अगेन सी सेज म्याऊ। ग्रैंडपा क्या बोलते हैं कि हैरी से बोलते हैं ये लो ये है आपकी नॉटी कैट, नॉटी मीन शरारती बिल्ली। जो हैरी है वो अपने ग्रैंडपा को थैंक यू बोलता है और उनके ग्रैंडपा उसे वेलकम बोलते हैं। और जो लूसी होती है वो दोबारा से हैरी के पास आके बहुत खुश हो जाती है और क्या बोलती है, म्याऊ, जैसे बिल्ली बोलती है ना म्याऊ, ठीक है। तो इस स्टोरी में आपने आपको क्या पता चला कि इसमें एक बॉय है हैरी और एक कैट है लूसी। जो कैट है वो हैरी की क्या है, पैट है। पैट मीन्स पालतू, ठीक है, पालतू बिल्ली है वो उसकी। तो वो क्या होता है, एक दिन अचानक से वो खो जाती है और हैरी उसे सब जगह ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन लास्ट में वो उसको कहाँ मिलती है, गार्डन के एक पेड़ की टहनी में बैठी हुई मिलती है। ओके बेटा, तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। आप करेंगे इसके हार्ड वर्ड, लॉस्ट हाइडिंग एनीवेयर अंडर ब्रांच इनसाइड गार्डन वेलकम अगेन क्लेम। ओके, ये आप एक पेज पे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप करेंगे वर्ड मीनिंग। कपबोर्ड, कपबोर्ड मीन्स अलमारी। पैट पालतू पशु। ग्रैंडपा दादा। लॉस्ट गुम। लेडर सीढ़ी। क्लेम ऊपर चढ़ना। ब्रांच टहनी। नॉटी शरारती।